नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल के लिए अतीश दीपंकर विशेष प्रतिनिधि की रिपोर्ट। जगदूत को बोले भाई, मैं आज नौगछिया आया था। इसमें नौगछिया में पुलिस जिले में दो तीन घटनाएं हाल में घटी हैं जो काफी चिंता उत्पन्न कर रही हैं, और उसमें पुलिस की जो कार्यशैली रही है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आया था। बीते रात बेगूसराय से कुछ लोग आए थे एक तिलक समारोह में और लौट रहे थे। उसमें दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिसमें NH पर झंडापुर ओपी के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार चार अपराधियों द्वारा उन्हें रोका गया और उसी क्रम में उनके पर गोली चलाकर हत्या की गई। जो बात सामने आ रही है उसमें उनका पर्स भी छीना गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लूट के उद्देश्य से ये लोग रुके थे, परंतु मोटरसाइकिल में जो चाबी मांग रहे थे वो नहीं दिए समय पर, उसके कारण घटना घटी है। बहुत ही जघन्य घटना है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और दूसरे व्यक्ति अभी इलाजरत है बेगूसराय में, उनका इलाज चल रहा है। उनके बयान पर ही उन लोगों ने केस दर्ज किया है और उसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मृतक का नाम है रंजन राय और जो व्यक्ति इंजर्ड है उनका नाम शंभू राय है। ये लोग रहने वाले फसिल थाना बेगूसराय के। बहुत गंभीरता से लेते हुए इसमें एक टीम का गठन किया गया है और टीम बहुत जल्दी ही इसको निवेदन करेगी, ऐसा उनको लक्ष्य दिया गया है। दूसरी घटना परवत्ता थाना में घटी है, जिसमें एक पुजारी थे उनकी हत्या की गई है। इसमें SDPO को स्वयं जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और DSP हेडक्वार्टर को भी साथ में टीम में शामिल किया गया है। ये लोग जाएंगे, पूरी घटना की तफ्तीश करेंगे और देखेंगे। पिछले हफ्ते एक अन्य घटना भी घटी थी, जिसमें एक फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी से भी कुछ पैसे लूटे गए थे, जो हाईवे पे ही घटना घटी थी। तो इन सभी घटनाओं का ठीक से उद्भेदन करके शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डायरेक्शन दिया गया है और इस कार्रवाई को मैं स्वयं मॉनिटर करूँगा। पलटा सिंह का से जो हत्या हुई है उसपे उसमें FIR दर्ज की गई है, कुछ लोगों के नाम आए हैं, उस पर कार्रवाई कर सर। अभी जो सुनना मिले गला रेत के महिला पे हमला हुआ है खरीक में।